जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? क्रिकेट फंडस में आप सबका स्वागत है। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप टीम इंडिया के फैन है, आईपीएल के फैन है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है। एक खबर एक तेज गेंदबाज के लिए है, जो तेज गेंदबाज हालांकि आज तक इंडिया में नहीं था, वो एक बेहतरीन तेज गेंदबाज है। अगर आपको हम बोले कि इस बार T20 विश्व कप हमारे है या इस बार T20 वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे, तो आपको सुन के ये बात जरूर कुछ अलग लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप हम ही लोग जीतेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक घातक गेंदबाज जो अपने रफ्तार की वजह से जाना जाता है और अपने सटीक लाइन लेंथ की वजह से जाना जाता है, ये बल टीम इंडिया को एक रफ्तार वाली घातक गेंदबाज मिल गए जो अपने तेज रफ्तार एक्सप्रेस की वजह से जाना जाता है। और गेंदबाज कोई और नहीं, मयंक यादव है, जो लखनऊ सुपर जायंट की ओर से पेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पेस डिलीवरी की। ये गेंदबाज बहुत ही ज्यादा घातक गेंदबाजी कर रहा है, अपने गति से हर बल्लेबाज को बीट कर रहा है, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो या दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल या कैमरन ग्रीन हो क्यों ना हो, सबको अपने रफ्तार की वजह से बीट कर दे रहा है। एक गेंदबाज T20 वर्ल्ड कप में दिखेगा, अगर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ये इसको T20 वर्ल्ड कप में लेना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। कल जो रात को मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला गया था, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने पहले टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी की न्योता दिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 किया, जिसे लखनऊ ने आरसीबी को एक बहुत बड़ा टारगेट दिया जो 182 का टारगेट था। इस टारगेट के लिए जब लखनऊ गेंदबाजी करते आए आरसीबी की ओर से, आरसीबी के बल्लेबाज फैफ डुप्लेसी विराट कोहली ओपनिंग करते आए तो अच्छा वाला चेस कर रहा था, लेकिन इस ब्रेक जोरी को ब्रेक दिया और उसके बाद मयंक यादव जो रफ्तार की वजह से जाना जाता है, जिस गेंदबाज को अभी खेलना कोई किसी भी बल्लेबाज के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो गेंदबाज अपने कुल 4 ओवर में 14 रन देके फिर से 3 विकेट लिया। पहले ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, उसके बाद रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन को भी आउट किया। जब कैमरन ग्रीन को आउट किया था तो उसका जो गेंद का रफ्तार था वो 157 किलोमीटर पर आवर था, जो आईपीएल के इतिहास में आज तक की सबसे तेज गेंद है। 157 आज तक 157 की रफ्तार इस साल आईपीएल में कोई नहीं किया। इससे पीछे है बर्गर, उसके पीछे है कॉर्टिज, लेकिन मयंक यादव सबसे तेज है। उसका रफ्तार एवरेज औसत उसका जो है गेंद करने का वो 150 के ऊपर से एवरेज गेंद करता है, उसको सबसे तेज गेंद है 157। लखनऊ की ओर से लखनऊ जो इस मैच को जीता, अगर आप लखनऊ के फैन है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने और एक मैच अपने नाम कर लिया। ये अपने होम ग्राउंड पे नहीं था, ये बेंगलोर की चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे खेला जाया था। जब लखनऊ की ओर से ओपनिंग करने आया केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ने मैच 20 रन बनाए 2 छक्कों के साथ और क्विंटन डिकॉक ने 81 रनों की पारी खेले, इसमें 5 छक्के और 8 चौके थे और कुल 52 गेंद लिया। और हार्ड हिटर निकोलस पुरन ने इस मैच में आरसीबी के गेंदबाजों के धागा खोल के रख दिए। रेस टोपली और मोहम्मद सिराज को लगातार बैक टू 5 सिक्सर लगाया निकोलस पुरन ने। निकोलस पुरन ने कुल 21 गेंद में 40 रन बनाए, इसी में लखनऊ की सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था मैच के लिए। मार्कस स्टोइनिस भी अच्छे बल्लेबाजी की है, वो कुल 15 गेंदों में 24 रन बनाए, इसमें 2 चौके और 2 छक्के थे। लखनऊ की ओर से सबसे बेहतरीन जो प्लेयर थे वो है मयंक यादव। मयंक यादव चारों ओर अपना जलवा बिखर कर रखा। मयंक यादव ने अपने दोनों ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब जीता अपने नाम। मयंक यादव का आग, मयंक यादव का तूफान चल रहा है। मयंक यादव ने अपने तूफान में आरसीबी को धूल की तरह उड़ा के ले गया। आरसीबी को कुछ समझ आया उससे पहले ही आरसीबी का टीम ऑल आउट हो गया 152 पर। आपको क्या लगता है, इस बार मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप में लेना चाहिए या नहीं, आप कमेंट पे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, आईपीएल की ट्रॉफी लखनऊ सुपर जायंट जीत पाएगा या नहीं, आप कमेंट पे जरूर बताएं, क्योंकि लखनऊ इस बार ट्रॉफी जीतने के बहुत हकदार इसलिए है क्योंकि उसके पास जो 2-3 गेंदबाज है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, जिसमें है
मयंक यादव सबसे तेज, मोहसिन खान जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा है जो वेरिएशन भी करता है, उसके बाद यश ठाकुर है और समर जोसेफ जो अपने तेज गेंदबाजी की वजह से जाना जाता है, और उसके साथ नबीबुल हक जो अपने कंट्रोल की वजह से जाना जाता है, और स्पिन डिपार्टमेंट पे रवि बिश्नोई जो अपने फिरकी की जादू से सबको घुमा के रख देता है, ट्रॉफी जीत पाएगा। और लखनऊ की ये लगातार दूसरी जीत है, और लखनऊ इस मैच जीत के साथ अपने पॉइंट टेबल पे चौथे स्थान हासिल कर लिए। जी हाँ, लखनऊ पहले 10वें स्थान पे थे, अभी चौथे स्थान पे है। अगर अब के एल राहुल, मयंक यादव, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरान, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन के फैन है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आपको क्या लगता है इस मैच के लिए आरसीबी वालों जो फैन है उसमें कुछ नाराजगी इसलिए है क्योंकि आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे ये मैच लगातार दूसरी हार की है, और आरसीबी के फैन है आईपीएल फ्रेंचाइजीज के सबसे लॉयल फैन। आरसीबी के फैन आज तक ट्रॉफी नहीं जीता फिर भी अपने फ्रेंचाइजीज को उसी तरह सपोर्ट करता है। आरसीबी के फैन बेस बहुत ही बड़ा फैन बेस है आईपीएल के हिसाब से। अगर आप रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के फैन है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और आईपीएल में विराट कोहली इस बार ऑरेंज कप उसी के सिर के ऊपर है, आईपीएल में सबसे ज्यादा रनों की बारिश की है विराट कोहली। विराट कोहली इस बार आईपीएल में कुल 200 रन के ऊपर कर दिए है। और जो पर्पल कप होता है रहमान के पास है, लेकिन अगले ही मैच में मयंक यादव इसे हासिल कर लेगा क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान ने कुछ मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और मयंक यादव दिन पर दिन अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर से बेहतर कर रहा है। आपको क्या लगता है मयंक यादव को T20 वर्ल्ड कप में लेना चाहिए या नहीं? अगर T20 वर्ल्ड कप इसको लेकर जाएगा तो टीम इंडिया के लिए अच्छे होगा या बुरा होगा, आपको हमें पे जरूर बताए। और आप क्रिकेट फैंटेसी आपका अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। क्रिकेट फैंटेसी को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और हम एम करते हैं इस वीडियो को अब 50 या 100 से ज्यादा जरूर लाइक करेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।